पे चलते हैं, छाले नहीं होते, बता सकते क्यों? बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध धर्म चाइना बर्मा लंका में नंगे पैर अंगारों पे चलते हैं, छाले नहीं होते हैं। क्यों? माइंड में जो फीड किया जाता है कि हम बर्फ पे चलें, कई महीने इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड को फीड हो गया कि बर्फ पे चलेंगे, तो माइंड ऐसे उसको एक्सेप्ट करेगा कि मैं बर्फ पे चलूँगा। अगर हम डीपली ये कह रहे हैं कि मेरी नेगेटिविटी निकल के बाहर जा रही है तो वो जाएगी, लेकिन वो डीपली कहना है तो हमारी थिंकिंग में, थॉट्स में बहुत पावर है, जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो इसलिए आपसे और आपसे मैं स्पेशल ये करूँगा, आप यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना, तो जो बोला जाता है उसको बस करो। मन रोकेगा आपको करने से भी, इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा, वो रोकेगा बहुत, लेकिन अगर हमने को रिजल्ट लेना तो कुछ भी हो जाए करना है बस, उसको मन को आड़े नहीं आने देना। तो बस कहो भी सारे कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, हम मन कहेगा तू पागल ऐसे कर, आपको सारे पागल हैं तो फिर मेरे को क्या है ना। तो चलो अब जो है इस पे नेगेटिविटी सारी अपनी, हर कोई अपनी अपनी नेगेटिविटी निकाल के बाहर, ये धरती इतनी बड़ी है कि हर चीज़ को ये रिजॉल्व कर लेती है, हर चीज़ को, है ना। तो किसी के ऊपर ना फेंक देना, ऐसे ना होना, इस पर फोकस करना भी, मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरा मेरी इरिटेशन, सारे जितने भी गंद है ना वो सारा मैंने, है ना। चलो आँख बंद, देखें अपने भीतर ब्रेन के अंदर, ऐसे देखें, खाली हो गया बिल्कुल, कुछ नहीं है उसके अंदर, इसी को फील करें, विजुलाइज करें, मेरा दिमाग बिल्कुल गंदगी सारी निकल गई, साफ हो गया, जैसे कि साफ कमरे में हम जाते हैं ना, बिल्कुल खाली, इतना गंदगी थी इसमें, इसी को फील करें अंदर से कितना हल्का हो गया, ऐसे लगता है कोई बोझ उतर गया। तो मेरे में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो मैंने एग्जिस्टेंस को दे दी, अस्तित्व को दे दी, अब मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, अब ये खाली हो गया, अब ये खाली हो गया, भाव करो अब ये खाली हो गया, और मन में भाव करो अब ये बिल्कुल शुद्ध हो गया, खाली हो गया, कोई इसके अंदर गंदगी नहीं है, खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। तो अब बिल्कुल खाली हो गया, नेगेटिव एनर्जी चली गई। तो अब हम बैठ जाएंगे, लेटना लेट जाएंगे, कुर्सी पे बैठना कुर्सी पे बैठ जाएंगे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसमें करना क्या है, अब ये खाली हो गया, इसको पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। पॉजिटिव एनर्जी कैसे भरना है, आंख बंद करके ये फील करना है कि ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी है, मेरे पे उसकी शावरिंग हो रही है, जैसे आप शावर लेते हो हल्का हल्का, या थोड़ी बूंदाबांदी होती है बारिश या स्नोफॉल होती है, तो ऐसे फील करना मेरे पे गिर रही है और मैं पूरी बॉडी मेरी उसमें नहा रही है, ऐसे रिमझिम जैसे गिरती है थोड़ी थोड़ी, उसको स्पर्श को महसूस करना कि वो एनर्जी मेरे में आ रही है, और मेरा ब्रेन जो है, मेरा दिमाग जो है, मेरा मन जो है, पॉजिटिव एनर्जी से, परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। ये स्टेप हम करेंगे। पहले स्टेप में हमने नेगेटिविटी बाहर निकाली, खाली किया, कुछ अच्छा डालने के लिए अगर उसमें कुछ पहले ही है बर्तन में, कुछ और डालना है तो उसको खाली करना पड़ता है, हमने बर्तन को खाली कर दिया, मन को, अब उसके अंदर अमृत डालेंगे, है ना। पहले विष था, जहर था जो हमारे अंदर, अब हमने वो निकाल के अमृत डालना, अमृत सिर्फ परमात्मा से ही मिल सकता है। तो जैसे भी भाव है, 6 मिनट के लिए बैठें या लेट जाएँ या चेयर पर बैठें।
मुझे वो मतलब